भाजपा के पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह के द्वारा मुंबई स्थित बोरीवली पूर्व कस्तूरबा रोड पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। इस आयोजन के दौरान 2000 बच्चों में मुफ्त लॉग बुक वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 13 के अध्यक्ष देवेंद्र विद्यार्थी सिंह के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम विधिवत तरीके से बारिश के बीच आयोजित किया गया था, जहां पर देवेंद्र सिंह बारिश में भीगते हुए कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए थे। गोपाल शेट्टी की उपस्थिति में विद्यार्थियों को मुफ्त नोटबुक वितरित किया गया। आपको बता दें, यह कार्यक्रम पहली बार नहीं अपितु पिछले 36 सालों से यह कार्यक्रम भाजपा नेता विद्यार्थी सिंह के द्वारा आयोजित होता रहा है। विद्यार्थी सिंह के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की सांसद गोपाल शेट्टी ने, क्योंकि विद्यार्थी सिंह और उनके साथ ही देवेंद्र सिंह निरंतर ही समाज सेवी कार्य करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि वार्ड की जनता के लोकप्रिय नगर सेवक है विद्यार्थी सिंह। कार्यक्रम के दौरान सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह, वार्ड अध्यक्ष देवेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना था, मीडिया से बातचीत में देखे। 36 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चों को मदद करते हैं। इसके अलावा स्कूल का फी भरना हो, छोटे मोटे लोगों को दवाइयाँ वगैरह दिलाना हो, ऐसे सारे कामों में मदद करते हैं। और ये 36 साल में इतना बड़ा काम उन्होंने खड़ा किया है। मुकेश उनका जो बेटा है, देवेंद्र जो दूसरा बेटा है, ये दोनों बेटे अब इसमें जुड़े हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट 36 साल में इन्होंने किया, उसका लाभ उनके बच्चों को मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा आप इसका अगर मुझसे पूछोगी, तो मैं मानता हूँ कि समाज की सेवा करने का एक सीख जो उन्होंने दिया है। पैसा कैसा कमाना हो तो सिखाया होगा, वो तो जरूरी है, लेकिन कमाया हुआ पैसा फिर एक बार समाज के पास कैसा पहुँचे, उसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम करते हुए बच्चों को जो उन्होंने जोड़ा है, इसलिए मैं निश्चित एक सांसद के नाते उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर ढंग से वो लोगों की सेवा करें और लोगों को जो भी जरूरतमंद चीज़ है वो देने का काम करें। मैंने अपने भाषण में ये कहा कि जैसे स्लम बन गया तो स्लम में स्कूल भी बन गए। आप देखेंगे तो मालौनी में 18 स्कूल है, उसको नोटिस मिला है। पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में जो इलीगल स्कूल जिसको कहते हैं, जैसे इलीगल झोपड़पट्टी बनी, सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं बनाया। मैं सरकार को दोष देना नहीं चाहता हूँ, हमारा विकसित देश है, विकसित देश नहीं है, और विकसित देशों में ये सारा इस प्रकार का समस्या होता ही है समय समय पर। और जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ बन गई वहाँ पर स्कूल भी बन गए। अब ये स्कूल को आप इलीगल, जैसा झोपड़पट्टी को आपने रेगुलाइज किया, वैसे स्कूल को भी रेगुलाइज करो, ये मेरा कहना है। क्योंकि स्कूल में इन दिनों में 5वीं 7वीं 8वीं तक तो कोई परीक्षा होता नहीं है, तो जितने क्लासेस का वर्गों का परीक्षा नहीं होता है, ऐसे सारे स्कूल को मान्यता देकर वो स्कूल को तोड़ा नहीं जाए, इस प्रकार का एक निर्णय हमको करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पीछे पड़ा हूँ। मैं सरकार के माध्यम से 2024 के चुनाव के पहले ये स्कूल के रेगुलाइज करने का काम मेरे सरकार ने करना चाहिए, ये मैं मांग करूँगा। 354 कलम के अंतर्गत जो पगड़ी के घरों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा गया, बिल्डिंग डिलेपेटेड डिक्लेयर करके घर तोड़ा गया है। काफ़ी सालों से इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरी सरकार होते हुए भी इसका मैं कोई उपाय खोज नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन के पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुंबई शहर में महानगर पालिका के पास और SRA के पास 180 फुट के घर, 225 के घर और 269 फुट के हजारों के संख्या में घर पड़े हैं। तो ये सारे घर जो इनको देकर ये उसमें रहेंगे, और जहाँ घर टूटा है वो जमीन मालिक को कहकर फिर एक बार नया बिल्डिंग बनाकर ये सारे लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो खाली पड़े हुए घरों में लोग रह सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में आप अगर किसी का घर तोड़ते हैं तो वो अगर कहीं भाड़े से घर लेते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये भाड़ा है। एक सामान्य व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहकर 300 फुट के घर में रहने वाला 20-25 हज़ार रुपया या तो उससे भी कम पैसे कमाकर अपने परिवार का समाधान ढूंढता है, ऐसे समय पर 12-15 हज़ार रुपया अगर वो भाड़ा दे देगा तो बचेगा क्या उसके हाथ में। इसलिए जो घर खाली पड़े हैं वो घर आप उनको दे दो, ताकि उनको रहने का आसरा भी हो जाए और उनका नया घर भी बल्कि मिलेगा। अब जो खाली घर पड़े हैं उसका एक नॉमिनल जो भी रेंट लेना है वो आप ले लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को सरकार माए बाप ऐसा कहा जाता है, तो माए बाप का चेहरा लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं, हम संकट में आए तो हमको सरकार ने यहाँ पर मदद किया। ये एक मांग मैं किया है, मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री जी को मिलूँगा,
उप मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, जो नए सरकार में जो आज मंत्री बने हैं उन सारे लोगों को मिलकर ये दो समस्याओं पर तुरंत समाधान सरकार ढूंढे, इस प्रकार की मांग भी करने वाला हूँ। देखिए वैसे मैं बहुत राजनीति में कभी पढ़ता नहीं हूँ, मेरी पार्टी की भी मेरे से ही अपेक्षा नहीं है। मेरी पार्टी की अपेक्षा है कि लोगों का काम करो, पार्टी को बड़ा करो, और हम लोग ने बोरेली और उत्तर मुंबई को बहुत मजबूत किया है। उसके बावजूद मैं आज का एपिसोड को देखने के बाद में मैं थोड़ा समाधान इसलिए व्यक्त करता हूँ क्योंकि शरद पवार जी ने जिस प्रकार से एक राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में ला के खड़ा किया, 2019 के चुनाव में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया, उसके बावजूद भी शिवसेना को तोड़कर शरद पवार जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में सरकार बनाई, और ये बनाने के पहले राष्ट्रपति शासन लागू था, तो राष्ट्रपति शासन को भंग करने के लिए अजीत पवार साहब को भेजकर राष्ट्रपति शासन उठवा दिया, और फिर सरकार बनाने के बाद में फिर अजीत पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बीच में छोड़ने का काम उन्होंने किया। हम देवेंद्र फडणवीस जी ने आगे चलकर एकनाथ शिंदे, वो जो उद्धव ठाकरे जी ने जो बेईमानी की उसको एकनाथ शिंदे जी को लाकर वो जो बेईमानी है उसको पूरा कर दिया, लेकिन शरद पवार जी ने जो राजनीतिक चाल खेलकर अजीत पवार जी को भी फंसाया, देवेंद्र फडणवीस जी को भी फंसाया, ये दोनों के बदले भी आज लेने का काम हो गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बदला लेने का काम उद्धव जी के साथ में भी पूरा हो गया, बदला लेने का काम शरद पवार जी के साथ में भी पूरा हो गया, अब एक अच्छा मजबूत सरकार का गठन महाराष्ट्र में हुआ है, बना है। आने वाले बचे हुए एक साल में महाराष्ट्र के सभी समस्याओं पर समाधान ढूंढते हुए लोगों का कल्याण करें, लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, और निश्चित 2000 का चुनाव जब कभी भी आएगा केंद्र में मोदी जी को, और महाराष्ट्र में फिर एक बार देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत पवार जी के सरकार को बड़ा समर्थन महाराष्ट्र के लोग देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, महाराष्ट्र में क्या नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है अभी? देखिए ये इसके बारे में तो पार्टी के नेता ही तय करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो सरकार बनी है अभी तीन पार्टी की, वो सरकार को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं शुभेच्छा देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सरकार बहुत रफ्तार से काम करे, सारे जो पेंडिंग समस्या है लोगों का वो तो सारे समस्याओं का समाधान ढूंढे। महाराष्ट्र में दो दो डिप्टी सीएम अभी हो गए हैं, आज से दो दो सीएम डिप्टी सीएम बन गए। जी हाँ, देखिए घर में जब पिताजी अकेला काम करता है तो उसको पूरे अकेले को घर संभालना पड़ता है, बच्चा जब बड़ा होकर बच्चा भी काम करता है तो घर में पिताजी को थोड़ा मजबूत हो जाता है, दूसरा बच्चा बड़ा होकर वो भी अच्छा नौकरी पाता है, अच्छा तनख्वाह लाता है, तो दोनों बच्चे और पिताजी दोनों मिलकर घर को चलाते तो बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री मिलकर काम करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार और मजबूत होगी। सरकार को मजबूत करना यानी महाराष्ट्र की जनता को मजबूत करना, महाराष्ट्र को विकास की ओर आगे ले जाना, इसके लिए ये सारा प्रयास होता है, और राजनीति इसी को कहते हैं कि राजनीति करो और लोगों का भी कल्याण करो और राज्य को और देश को भी आगे बढ़ाओ। शरद पवार ने कहा कब मैं एक एक चीज़ का मैं मानता हूँ कि मैं शरद पवार जी का हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही सीनियर नेता है वो, मैं मानता हूँ कि अब शरद पवार जी ने आराम करना चाहिए, अब ये यशवंतराव चव्हाण में मीटिंग लेना, जगह जगह पर घूमना ये उनके लिए अभी ठीक नहीं होगा, उन्होंने भी आराम करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अजीत पवार जी के भरोसे पर, उनके कार्यशैली पर छोड़ देना चाहिए, और बचे हुए भी जो लोग हैं मैं चाहता हूं कि सुप्रिया सुले जी से लेकर सारे लोग अजीत पवार जी के साथ में आए, सुप्रिया सुले जी राजनीति दिल्ली में करे, अजीत पवार जी महाराष्ट्र में करे, देश भी आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, सुप्रिया जी भी आगे बढ़ेगी, अजीत पवार जी भी आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। अजीत पवार ने तो कह दिया है कि एनसीपी हमारी हो गई, अब हमारे पास सारा पावर, किसान नाम सब हमारे पास है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब पावर जब एनसीपी का पूरा निशान ही आ गया, पूरा टीम आ गया, तो बचे हुए लोगों ने भी आना चाहिए, ये मेरी मांग है, और सब लोगों ने मिलकर देश और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको राजनीति कहते हैं, इसको कूटनीति कहते हैं, और ये राजनीति और कूटनीति स्वयं के भला के लिए अगर आप करते हो तो गलत है, लेकिन राज्य के और जनता के लिए भला के लिए आप करते हो तो सही है, ऐसा मुझे लगता है। आपने तो देखा होगा मेरा स्कीम में 2000 बच्चों का था, शायद लगभग हो गया होगा, तो कुछ बाकी होगा, बाकी भारी बारिश के बावजूद भी तमाम पेरेंट्स छतरी लगाकर नहीं, उनको मालूम है कि यहाँ क्वालिटी वाली बुक मिलती है, यहाँ बढ़िया बुक मिलती है, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि मैंने 36 साल से काम कर रहा हूँ,
87 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा था और तब से काम शुरू किया था, और मैं तब 400 बच्चों से शुरू किया था। आज 2000 तो है, लेकिन हमारा 12 महीना ये काम चलता है। नहीं, तैयारी तो क्या, हमारा वार्ड प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह करते हैं, मैं तो खाली उनका ऊपर का गाइड करता हूँ, और इसमें तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जनता भी हमारे साथ है और कार्यकर्ता हमारे साथ है, तो तैयारी का कुछ नहीं है। तो 12 महीना तैयारी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी 12 महीना इलेक्शन लड़ने का काम करती है, ऐसा ही मैं 12 महीना फी देने का काम करता हूँ, नोटबुक देने को जाते हैं, टेक्स्ट बुक देने का काम है, ड्रेस है, ऐसा काम मैं करते रहता हूँ, छतरी देता हूँ, दवा देता हूँ, ये सब काम मैं आराम से। वितरण के पीछे का मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि जो मैं गरीब नहीं कहूँगा, तो जो ज़रूरतमंद बच्चे, जो एक आजकल भूख है 50 रुपये का एक बुक, तो बुक जो नहीं खरीद सकता उसको मान लीजिए कि 6 बुक या किसी को घर में 12 भी जाता है ना, वो हमको पता नहीं चलता, जो किसी दूसरे का राशन कार्ड लाते हैं तो 12 बुक को जाते हैं, तो 600 रुपये की उनको मदद हो जाती है। एक परिवार को 600 रुपया और या 300 रुपये की मदद होती है, तो उनको उसमें सहारा हो जाता है और दर बरस मिलती है। जैसे मेरे पिताजी, वो खुद 36 ईयर से कर रहे हैं, वो तो प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं है, सारा प्राउड मोमेंट घर में से ही मिल रहा है। ये मतलब हम लोग को इनहेरिटेंट मिला है, ब्लड में ही हमारे आया है, अब वो कर रहे हैं, फिर आगे मैं करूँगा, मेरे बाद मेरा बेटा भी करेगा, तो ये कारवा तो हमारा चलता रहने वाला। जब 87 में चालू किया तो मैं बहुत छोटा था, मैं इनके साथ हाथ पकड़ के आता था, आज इनका हाथ बटा रहा हूँ मैं, तो संख्या तो रोज़ बढ़ेगी ही, रोज़ बढ़नी भी चाहिए। पहले 400 था, हम चाहते कि 4000 तक जावे, तो संख्या बढ़ेगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम लोग एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं, तो हमारे वार्ड के राशन कार्ड मंगाते हैं, राशन कार्ड में चेक करते हैं कि हमारे एरिया का है, प्लस उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, बस यही क्राइटेरिया, हमारे एरिया का होना चाहिए राशन कार्ड और पढ़ने वाला विद्यार्थी हुआ, तो हम लोग उनको फिर ये फॉर्म दे देते हैं और फिर फॉर्म के माध्यम से ले लेते हैं। नहीं, लिमिटेशन नहीं है, अगर आप अभी बैठे हैं और अगर आप मेरे को अभी 2000 की संख्या ला के देते हैं, मैं उनको वापस बुक बांट सकता हूँ।